बाड़ी में जाके बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। पूरी भी होती है और अच्छा भी लगता है वहाँ पे जाके ना, सुकून मिलता है। कितनी बार आए हैं पहले? मैं यहाँ सेकंड बार आई हूँ जी। मेरा शमशेर राणा है, शमशेर राणा जी, चायल पुजारी गोगा में। बताइए इसमें किस ऐतिहासिक गोगा मड़े पूरे देश की किस तरह के, मतलब कितनी लोग आते होंगे एक महीने में? सर ये अब 19 तारीख से मेला शुरू है, वैसे तो ये सावन पक्ष है चल रहा है, इन 15 दिनों में भी काफ़ी रस रहता है, और अब 19 तारीख से मेला भादव पक्ष शुरू हो जाएगा, तो इससे लमसम आप मान के चलो 40 से 50 लाख लोग आते हैं श्रद्धालु, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी मान्यता लेके आते हैं। गोगा जी महाराज सबकी आस्था पूरी करता है और गोगा जी को खूब धूमधाम से लोग यहाँ धोख लगाने आते हैं। कहाँ-कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तर प्रदेश, सभी जगह से आते हैं, महाराष्ट्र, सभी जगहों से लोग आते हैं। सभी ये एकता के प्रतीक है, सभी धर्मों के लोग इन्हें मानते हैं। वो मुस्लिम समुदाय इसे पीर के नाम से जानता है, कोई वीर के नाम से, अपने अपने हिसाब से सभी मानते हैं, और गोगा जी महाराज सबकी इच्छा पूरी करता है, खूब धूमधाम से लोग आते हैं। अब 19 तारीख से मेले की पूरी तैयारी है, पुलिस प्रशासन, देवस्थान विभाग और जितने पुजारीगण हैं खूब अच्छी तरह पूरी तैयारी जोर जोर से चल रही है, और सभी श्रद्धालु को हमारी चायल परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भगत देखो तुसी भगत किस तरह समाधि से देख रहे हैं, चादरें चढ़ाई जा रही हैं, संगतां वल्लों गोगा जहर वीर का आशीर्वाद लिया जा रहा है। ये आशीर्वाद किसी करमा वाले मिलता है, इस गोगा मेले के बीच भगत पहुँच के इतने भगत जन आ रहे हैं और लगातार गोगा जहर वीर का आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बारे के बारे में, जिस तरह क्या कहेंगे आप, क्या मिल जाएगा? ये मेला जो है ये सभी जाति और धर्म के विशेष मेला है, इसमें सभी जाति और धर्म के लोग आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी यहाँ जो अरदास लेके आता है वो जहर पीर बाबा सुनता है, हर वर्ष मेला बढ़ता है। गोगा जहर वीर ये वो पीर है जिथे श्रद्धालु जन मत्था टेकते हैं, और हर जाति हर धर्म का व्यक्ति इत्थे मत्था टेक के अपने मन की मनोकामना पूरी करते हैं, और तुसी देख रहे हो 50 लाख के करीब एक महीने की संगत इत्थे आके मत्था टेकनगी। कैमरामैन प्रथम के नाल पुरशोत्तम कौशिक, न्यूज 18 पंजाब, गोगा मंडी राजस्थान। संजय जी, संजय जी कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं, रहने वाले डिस्ट्रिक्ट संभाल से, यात्रा पे आए हैं बाबा जी के दर्शन करने, और बहुत अच्छा महसूस हुआ हमें बाबा के यहाँ आके, बड़े मन को शांति मिली है, और जहर पीर बाबा की जय। कितनी बार, पहली बार आए, वैसे चले? काफ़ी बार आ गए, फैमिली के साथ आते हैं और पूरी श्रद्धा रखते हैं बाबा पे, जो भी कुछ है हमारे पास बाबा का ही दिया हुआ है, हमारे पास, हमारे परिवार के पास। पंगत राम, आप पता देखने हैं गोगा मंडी में कितनी बार आ रहे हैं? कब की बार? 4-5 बार आ गए हैं जी। कैसा लगता है यहाँ पता देखने का? बहुत अच्छा लगा जी, ऐसा लगता है कि जैसे हम यहाँ आके स्वर्ग में आ गए हैं, और आज भगवान जी के जैसे दर्शन हुए हैं ना, आज से पहले ऐसे दर्शन नहीं हुए हैं, आज दर्शन करके मन तृप्त हो गया है। आज आपने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद कैसे मन की इच्छाएं पूरी होती हैं? मन की इच्छाएं जो हमारे मन में होता है सब इच्छाएं पूरी होते हैं, करने वाला यही है, जो ये चाहता है, जो हम चाहते हैं वो सब पूरा हो जाता है। हाँ सर, गोगा मंडी मेले में यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था के लिए आए हैं सर हम लोग यहाँ पर। सर यहाँ पर 100 से तकरीबन ऊपर जवान तैनात है यहाँ पर, जैसे पूर्णमासी का जो मेला शुरू होगा उस टाइम से हज़ारों संख्या में यहाँ पुलिसकर्मी आएंगे सारे राजस्थान से, और जो पीक डे होता है सर 3 दिन अमावस्या का, 3 दिन जो पूर्णिमा का, उस टाइम सर सारा स्थान से आते हैं। श्रद्धालु सर यहाँ पर तकरीबन 20-30 लाख पहुँचते हैं श्रद्धालु पूरे महीने, पूरे भादो महीने में। हाँ सर, बाकी सर जो बीकानेर जो रेंज है उसके जो हमारे मुलाजमान आते हैं वो तो पीक डे को छोड़ के बाकी रहते हैं सर, यहाँ एक महीने की ड्यूटी पे आते हैं। गोगा राजस्थान के बीच मेला भर रहे, कहाँ से हैं आप लोग? भरतपुर राजस्थान से, भरतपुर राजस्थान। क्या कहेंगे, बहुत भीड़ हो रही है, खूब दर्शन हो रहे हैं बाबा के, और आप कहाँ से हैं? भरतपुर से। भरतपुर से क्या मानते हैं बाबा की? बाबा की अच्छी मानता है। कैसा लगता है माथा टेकने के बाद? माथा टेकने के बाद में एकदम ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में आ गए, जैसे स्वर्ग में आ गए। मत्था टेकने के बाद वो इत्थे आके उन्होंने किस तरह सुकून मिलता है, अरे गोगा मंडी पूरे देश की सब तो बड़ी गोगा मंडी है,
जिथे संगतं मत्था टेकन पहुँच रही हैं, श्रद्धालु भी हैं और भी भगत खड़े हैं इतने, उन्होंने भी गलबात करते हैं। बेटा कहाँ से हैं आप? फतेहाबाद। फतेहाबाद से कितनी बार आए? पहली बार आए हैं? पहली बार। पहली बार आए हैं। आप कहाँ से हैं जी? फतेहाबाद से। सिर्फ फतेहाबाद से ही है। बच्चों के साथ आए हैं? कैसा लगता है मत्था टेकते हो? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। गुगा जहार वीर की जड़ी समाधि है उत्थे मत्था टेकते हैं, संगतं टेक रही हैं और तुसी देख रहे हो और भी भगत बैठे हैं, उन्होंने भी गलबात कर रहे कितों आए हैं, इन्हों की की शरदा है इस माड़ी के मत्था टेकन तू कि लगता है? बहुत बढ़िया लगा जी। आना बाबे के दरबार में बाबा अपनी कृपा जी बना के रखा, यमुनानगर कंसा पर जा रहे जी, बाबे की जय जयकार बागा डालेगी भाई, सारे आओ मत्था टेको बाबे वा, चक्कर रखो काम, जय करा बागा डालेगा, जय करा दाद गुरु पिपलनाथ जी का, भाई सारे आओ सुन का भी नजर रहा बाबे का, जय जयकारा मालक की, बाबे की सेवा रखो सब, मोह माया भाई रे परमात्मा का नाम ले करो,